बीसीसीआई के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष, झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व आईपीएस अमिताभ चौधरी का मंगलवार सुबह निधन हो गया। अमिताभ चौधरी के निधन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुख जताया है। सीएम हेमंत सोरेन ने उनके घर अशोकनगर जाकर श्रद्धांजलि दी। सीएम हेमंत सोरेन के अलावा पूर्व सीसीआई प्रशासक अमिताभ चौधरी के आवास पर कई दिग्गज हस्तियां भी शोक जताने पहुंच रही हैं। अमिताभ चौधरी के अंतिम दर्शन और परिजनों को ढांढस बंधाने के लिए क्रिकेटर सौरभ तिवारी भी उनके घर पहुंचे और श्रद्धांजलि दी। जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन अमिताभ चौधरी का मंगलवार को निधन हो गया। उन्हें उनके अशोकनगर स्थित आवास में ही सुबह दिल का दौरा पड़ा था। आनंद फानन में उन्हें रांची के सेंट एविटा अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सीएम हेमंत सोरेन ने जेपीएससी पूर्व चेयरमैन अमिताभ चौधरी के निधन पर शोक जताया है। पूर्व आईपीएस अमिताभ चौधरी प्रदेश के डीजीपी नीरज सिन्हा, डीआईजी अनीश गुप्ता, एसएसपी किशोर कौशल, सिटी एसपी अंशुमान कुमार, ग्रामीण एसपी नौशाद आलम, वरिष्ठ आईपीएस सुरेंद्र झा सहित कई पुलिस के आला अधिकारी अस्पताल पहुंचे और परिजनों को ढांढस बंधाया। दोपहर में सेंट एविटा हॉस्पिटल से पूर्व जेपीएससी चेयरमैन अमिताभ चौधरी का पार्थिव शरीर अशोकनगर आवास पर लाया गया। यहां से जेसीए स्टेडियम अंतिम दर्शन के लिए लाया जाएगा। बाद में सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता उनके बेटे अभिषेक चौधरी के दिल्ली से रांची पहुंचने के बाद अमिताभ चौधरी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन के पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन और परिजनों को ढांढस बंधाने के लिए उनके अशोकनगर स्थित आवास पर वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव, रांची सांसद संजय सेठ, पूर्व विधायक कुणाल सारंगी सहित बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। 2002 में अमिताभ चौधरी बीसीसीआई के सदस्य बने। 2005 में झारखंड के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री सुदेश कुमार महतो को हराकर वो झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन जेसीए के अध्यक्ष बने। 2005 से 2009 तक अमिताभ चौधरी इंडियन क्रिकेट टीम के मैनेजर भी रहे। 2013 में उन्होंने आईपीएस की नौकरी से वीआरएस ले लिया और 2014 में राजनीति में कदम रखा। उन्होंने बाबूलाल मरांडी की पार्टी जेवीएम से रांची लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था, हालांकि वो चुनाव जीत नहीं सके। इसके बाद वो बीसीसीआई के कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए गए। अमिताभ चौधरी ने आईसीसी बोर्ड में भारत के नियुक्त प्रतिनिधि के तौर पर भी काम किया। उनकी पत्नी अमिताभ निर्मला चौधरी भी आईपीएस रही हैं। राज्य पुलिस सेवा के वरीय पदाधिकारी के रूप में रहे क्रिकेट एसोसिएशन के सर्वोच्च पदों पर रहे, राज्य के जेपीएससी के चेयरमैन के रूप में भी रहे अमिताभ चौधरी जी, आज सुबह अचानक दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हुआ। और मैं समझता हूँ कि अमिताभ चौधरी जी को और उनका परिचय देना उनके लिए बहुत छोटा होगा। इन्होंने अपने कर्तव्य और कार्यों को इस तरीके से लोगों के बीच में रखा जिनका सभी लोगों ने सराहा है। काफ़ी जिंदा दिल इंसान आज हम लोगों ने खोया है। एक ईमानदार व्यक्ति के रूप में जाने जाने वाले अमिताभ चौधरी जी को आज हमने खोया है और मुझे लगता है इनकी कमी सभी को खलेगी, पूरे राज्य को खलेगी और विशेषकर नौजवान जो हमारी आने वाली पीढ़ी जो खेल से जुड़े हुए लोग हैं, खेल जगत से जुड़े हुए लोग हैं, उनको आगे बढ़ने का एक
ऐसा मार्ग प्रशस्त किया है जो मुझे लगता है कि आने वाली पीढ़ी को भी इसका लाभ मिलेगा और झारखंड को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने में भी इनकी एक अहम भूमिका रही है। और इन इस व्यक्तित्व को मैं समझता हूँ हर व्यक्ति आने वाला समय में याद रखे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।